की क्या बात हुई है नेताओं से, क्योंकि सारे भाजपा अड़ा आई बैठी थी, उन सब बात हुई है भाई इस गेम को लेके कुछ प्लान किया जाए, कुछ सोचा जाए? देखिए, जेपी दलाल जी ने मुझे कहा है कि सुबह आप एक बार घर पे आना। मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा, बड़ा उत्साह आया। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से, आप पूरा उनके लिए मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए। वो खेल तो ये 3 दिन का दिख रहा था, लेकिन हमारी मेहनत पूरे एक महीने की इसके पीछे मेहनत है। चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे टेंट की बात हो, चाहे जो बाड़ी लगा रखी हमने उसकी बात हो, ये सारा हमने पूरे एक महीने से तैयारी की है। एक एक चीज़ हमने हाथों से सींची है, जब जाके एक कार्यक्रम सफल हुआ है। का असली खेल कुश्ती और ये सर्कल कबड्डी है, अन्य खेल बाद में पैदा हुए हैं, इन्हीं से उपजे हैं। तो सारे भाई है ना भाई, मेरी राम राम भाई साहब, राम राम, राम राम भाई, राम राम जी, राम राम जी, राम राम भाई साहब। 3 दिन पूरा महायुद्ध रहा। बिल्कुल रहा भाई, आप उसके साक्षी हो। हरियाणा के 57 साल के इतिहास का सबसे बड़ा खेल मेला, जिसमें नगद 10 लाख रुपए के इनाम बांटे गए। फर्स्ट इनाम 3 लाख, बेस्ट राइडर कैचर 1-1 लाख। हरियाणा सरकार के अनेकों नेता, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी इसमें आए, और सबसे केवल एक ही डिमांड, इस खेल मेले का असली मकसद कि हरियाणा की मिट्टी के असली खेल सर्कल कबड्डी को दोबारा से हरियाणा सरकार में मान्यता दिलाई जाए और इसके खिलाड़ियों को नौकरी दिलाई जाए। हमने एक प्रयास किया छोटा सा, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, उसका रिजल्ट कुछ समय बाद आपके सामने होगा। भाई साहब राम राम, राम राम जी। मेरे ख्याल से आपका पहला एक्सपीरियंस था सर। हाँ बिल्कुल जी, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस राहुल के साथ काम करके, और ये इतना बड़ा पूरा महा? देखो, राहुल के साथ जुड़े तो मुझे 7-8 साल हो चुके हैं, पर ये पहला प्रोग्राम था कबड्डी का, जो कि मैंने पहले 18 में देखा था मुंडाल में, और फर्स्ट टाइम भिवानी में मैंने करने की कोशिश करी, जो कि पूरा खरा उतरा मेरा करने का प्रयास था। जो आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने आनंद लिया, जोश था। कई दिनों से मन में टीस थी कि भिवानी में कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई भी ऐसा गेम नहीं हो रहा जिससे पब्लिक में जोश आए। क्यों, हम छोटे हुए करते तो जिम में जाया करते, तब कंपटीशन हुआ करते, तो लोग देख के मसल्स को जिम में जाना शुरू करते थे। हाँ जी, हाँ जी, आज देखा है तो उनमें जो जोश देखा युवाओं में, खिलाड़ियों में जो जोश था, और जो भी गेम हुआ पारदर्शिता से हुआ, कोई गेम फिक्स नहीं था, सब पार्शियलिटी नहीं हुई, कोई पार्शियलिटी नहीं हुई 1% भी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जेपी दलाल कृषि मंत्री पूरा टाइम बैठ के देखे, पब्लिक के बीच में बैठे, वो स्टेज के ऊपर नहीं बैठे, हाँ जमीन से जुड़े हुए नेता है, जमीन में आके बैठे वो, और उन्होंने हमारी एक डिमांड थी वो पूरी दिल से सुनी, और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, जो ये कबड्डी का खेल है इसे हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा जल्द ही लड़कियों का जो खेल है वो बहुत जल्दी भिवानी के अंदर नेशनल लेवल पे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि खुशी के पल 10-15 दिन में आपको सुनने को मिलेंगे। राहुल भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा गेम, इतना खतरनाक गेम, मैंने सोचा था भाई इसमें ना कुछ नशा भी कर कान देंगे, हुड़दंगबाजी, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ना तो मैंने कोई यहाँ पर नशा दिखा और ना हुड़दंगबाजी, इंजॉय था पूरा इसका भाई। केवल सारा श्रेय जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, जो 50 से भी ज़्यादा संख्या में थे, सभी वॉलंटियर्स को जाता है, और उससे भी बड़ा श्रेय जाता है हमारे जो प्रबंधन था भाई सुनील सरदाना और मोक्ष के नेतृत्व में, इन्होंने ऐसी एक रणनीति बनाई, चाहे वो पानी भरने की बात हो, चाहे बैरिकेड्स की, हर तरह से जो इन्होंने रणनीति बनाई उसके कारण यहाँ पे नए उड़दंगबाजी हुई, और 3 दिन आज फाइनल मैच वाले दिन कम से कम 50,000 की संख्या में शाम को 4-5-6 लोग थे, आप उसके साक्षी हैं। किसी भी तरह की कोई उटिंगबाजी किसी भाजपा नेता की नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई झगड़ा यहाँ पे नहीं हुआ। इस खेल ने हरियाणा ही नहीं, हरियाणा पंजाब और पूरे भारतवर्ष में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि मौके पर 50,000 आदमी थे, और यूट्यूब का वाचिंग 21,000 कुछ गया, जो कि चैनल अनिल धनाना भाई का है, हरियाणा सपोर्ट्स, ये भी अपने आप में एक पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले मुंडाड़ गाँव में 2018 के दिसंबर में हमने आयोजन किया था, 27,000 वाचिंग थी उसकी फाइनल मैच की, और वो फाइनल मैच 30 दिसंबर की ठंड में रात को 4 डिग्री के टेम्परेचर पे था, और रात को 11 बजे फाइनल मैच था, 27,000 वाचिंग थी। आज वाचिंग कम इसलिए रही क्योंकि मौके पर 50,000 लोग यहाँ पे मौजूद थे। ये तो आपका प्लान था ही पहले से। हाँ बिल्कुल, बहुत कम करवाएंगे। हाँ, लाइव हमने करवाना ही नहीं था, आखिरी में जगदीप भाई आपने धक्के से कर दिया, तो फिर वहाँ कोई बात नहीं। अच्छा हमारे भाई साहब, इस पूरी मैनेजमेंट ने पूरा माइक पूरा डिठोरे सांभ रहे थे, ढाका था आए भाई साहब आप? हाँ भाई साहब, मैं ढाका बांग्लादेश में हूँ। कमाल है, सिर्फ गेम खातर, सिर्फ गेम खातर भाई यहाँ धक्का खींच लाए, मेरी छुट्टी को दिन दिन करवाई है। बिल्कुल, जो छुट्टी के नाम का TADA कटेगा उसका टिकट करा रखे, कटा को नहीं, इसकी छुट्टी मंजूर को नहीं हुई थी। राज्यसभा सांसद जनरल DP वत्स जी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं सेना में, यो भी सेना में है, उनने तो हमने रिक्वेस्ट करी, फिर
बात बनी है टीएडीए तो सारी टकटकड़ी करा रखी। अच्छा इस गेम को लेके क्या कहोगे सरकार तक या बात कैसे जावे गेम यू? देखो सरकार के कानों तक आवाज़ करने के लिए इतने आवाज़ करिए, सरकार के सारे पदाधिकारी यहाँ थे, कैबिनेट मंत्री थे यहाँ पे, राज्यसभा के सांसद थे, हिसार के सांसद थे, उन्हीं के सामने बड़ा आयोजन करवाने का मकसद मेरे भाई हर्षदीप का, भाई राहुल मुंडाल का, इन युवा भाइयों का यही मकसद था ताकि सरकार को इस खेल के प्रति दोबारा एक बार उनको ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि पहले ये खेल स्कूल लेवल में भी था, यूनिवर्सिटी लेवल में भी था, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऐसे सर्कल कबड्डी होती थी, लेकिन ये खेल अब कहीं कहीं विलुप्त होने की कगार पर है। इससे पहले दयनीय हालत थी हमारी प्रो कबड्डी की, लेकिन उसको मंच मिल गया, इसको मंच नहीं मिला। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ दुनिया का चाहे कोई खेल करा लो, कितना ही नाम रख लो, अगर 3 दिन तक कोई आदमी 50,000 लोगों को रोक के दिखा दे, मैं भाई साहब उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। और जगदीप भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे पिछले 5 साल में कोई भी हरियाणा पंजाब में टूर्नामेंट फौजी साहब 3 दिन की नहीं हुई, फौजी साहब 3 दिन कोई टूर्नामेंट पिछले साल 5 साल में नहीं हुई, एक या दो दिन की टूर्नामेंट होती है हरियाणा में पंजाब में भी, नाम कितना है हो, 3 दिन की टूर्नामेंट पहली बार हुई और इतनी सफल हुई कि शायद ही आगे कभी दोबारा हम फिर कर देंगे और किसी तो मुश्किल। आपसे सवाल है आप की क्या बात हुई है नेताओं से, क्योंकि सारे भाजपा अड़ा आई बैठी थी, उनसे बात हुई है भाई इस गेम को लेकर कुछ प्लान किया जाए, कुछ सोचा जाए? देखिए जेपी दलाल जी ने मुझे कहा है कि सुबह आप एक बार घर पे आना, मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा, बड़ा उत्साह आया, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से, आप पूरा उनके लिए मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए, जो जो आपको डिमांड देनी है मैं जल्द ही आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीक में मुख्यमंत्री से ज़रूर कराऊँगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने गेम देखा और हमारी बात सुनी और मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे, हमें पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार ज़रूर ये बात सुनेंगे और समझेंगे खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और खिलाड़ियों को आगे लेके आएंगे। जगदीप भाई जी, देखिए हम तो इस खेल के प्रचारक हैं और एक खेल प्रेमी होने के नाते हमारी राजनीति कोई पहचान नहीं है, हम खेल से जुड़े आदमी हैं, हमारे को सभी खेलों में जाना पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी करवाए, कोई भी कमेटी करवाए, कोई भी आयोजक हो, हमारे को सबका साथ देना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल होकर यहाँ हरियाणा के खेल और युवा आयोग के चेयरमैन माननीय मुकेश गौड़ जी भी थे, उन्होंने मतलब एकदम स्पष्ट आश्वासन दिया है कि जैसे सरकार ने 1 करोड़ की कुश्ती करवाई, 1 करोड़ की प्रो कबड्डी करवाई, हम सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि सर्कल कबड्डी का भी 1 करोड़ का महाकुंभ हरियाणा सरकार अगर करवाएगी तो हम भिवानी में लेके आएंगे। अच्छा भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा, इतना बड़ा यूरेला था, इतने पूरा यूथ था यहाँ पे, बुजुर्ग भी थे, जब कोई रेडर था शानदार उसकी रेडिंग थी, कोई कैचर था शानदार वो कैच मारा था, तो पूरी हुटिंग वो थी जी, वो हुटिंग संभाली कैसे, रोलिंग पाए आड़ नहीं पाए वे, यहाँ पे भी कोई उड़दंग बाजी नहीं भाई सब, ये मैनेजमेंट आपको खेल तो ये 3 दिन का दिख रहा था, लेकिन हमारी मेहनत पूरे 1 महीने की इसके पीछे मेहनत है, चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे टेंट की बात हो, चाहे जो बाड़ी लगा रखी हमने उसकी बात हो, ये सारा हमने पूरे 1 महीने से तैयारी की है, एक एक चीज़ हमने हाथों से सींची है, जब जाके एक कार्यक्रम सफल हुआ है। अब आगे ये फ्यूचर में कब होने के दोबारा चांस है? देखिए जगदीप भाई वाणी पार्ट 2 कब आऊगा? पहले भी हमने करवाए थे, उसके बाद कोरोना आ गया 2 साल, उसके बाद मैं भी जिला परिषद का मेंबर हूँ, 2 साल लेट वो ही मुबारक, हाँ वो आ गया, उसमें उलझ गए, अगली साल दोबारा फिर भिवानी जिले में ही और 100% जितनी कोशिश रहेगी इसी मैदान में दोबारा खेल महाकुंभ हर साल होगा, पार्ट 2 अगले साल आएगा और उसका इनाम अब से बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब हरियाणा में इस कबड्डी को उठाने राहुल मुंडाल से उम्मीदें लोगों को ने ज़्यादा बढ़ गई मेरे ख्याल से। भाई साहब देखो वो तो लोगों को इसलिए बढ़ती हैं कि पहले भी हमने आयोजन किया, हमारा जो भी आयोजन होता हमारी पूरी टीम का, राहुल मुंडाल का कोई उसमें अकेले का वो नहीं होता, चाहे मुंडाल वाले आयोजन की बात हो चाहे इस आयोजन की, मैं और हर्षदीप इसके संयोजक जरूर हैं, लेकिन पूरी टीम को श्रेय जाता है, पूरी टीम से लोगों को उम्मीदें और लोगों की उम्मीदों पे इतना खरा उतरेंगे कि पार्ट 2 भिवानी का अगले साल इन दिनों में ज़रूर होगा, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के लोगों को मैं कहना चाहूँगा एक बार तो भाई इस वीडियो को शेयर करियो, जब मेरी बात जाओगी सुननी है जहाँ जब भी सुनो शेयर करना। दूसरी बात जगदीप भाई, हरियाणा की कबड्डी, हरियाणा का असली खेल कुश्ती और ये सर्कल कबड्डी है, अन्य खेल बाद में पैदा हुए हैं, इन्हीं से उपजे हैं, तो मैं सभी लोगों से कहूँगा अपने अपने बच्चों को इस खेल से जोड़ें और युवाओं को कहूँगा कि हरियाणा की मिट्टी क्या
असली ताकत का ये खेल है। जितने ज़्यादा हम इसको खेलेंगे सरकार पे भी उतना ही प्रेशर पड़ेगा, अपने आप ये खेल वैलिड हो जाएगा। और ये खेल केवल हरियाणा में और भारत में ही नहीं, अगर हम इसको अच्छे से सारी पब्लिक प्यार करे, अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक करे, तो ये ओलंपिक में भी जा सकते हैं। चलो बहुत आखिरी बात मैं जगदीप भाई कहना चाहूँगा, अभी तक सर्कल कबड्डी का जो सबसे बड़ा खेल मेला करवाने का ताज था वो राहुल भाई ने पूरे गांव राम के सहयोग से मुंडाल गांव में, वो मुंडाल गांव के नाम ताज था, लेकिन अब वो ताज राहुल दोहाज भी शामिल है, वो पशु मेला ग्राउंड और भगत सिंह चौक का जो सेक्टर 13 सामने ग्राउंड है वो ताज फिलहाल यहाँ आ गया है। आज हजारों दर्शकों ने खेल मैदान से आके बड़ा खेल देखा और सरकार के मंत्री आए, लाखों रुपये खर्चा हुआ, तो निश्चित तौर पर खेल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा बात 7 लाख का फाइनल हरियाणा में पहली बार हुआ है। और भाई कोई भाई नुको है इन नवे पार्टियाँ प्रोग्राम करा दिया फलाना करा दिया, तो सारी पार्टियों के भाई मंच खुला है, इन 5 का कराम हम 10 लाख का कराओ, हम सारे भाइयों से सहयोग करेंगे। लेकिन कबड्डी रहनी चाहिए, हम रहे ना रहे लेकिन देश रहना चाहिए, हम रहे ना रहे कबड्डी रहनी चाहिए। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हरियाणा। ये आप ढाका जाओगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यहाँ आप 9 बजे फाइनल आप देख रहे हो, 12 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आऊंगा टर्मिनल 3 पर। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई जगदीप भाई, जय हरियाणा, जय कबड्डी और लव यू कबड्डी। सारे हरियाणा के लोग भाई कबड्डी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, जय हरियाणा, जय कबड्डी। धन्यवाद भाई साहब। कुछ हमारे पहलवान भाई भी अड़े खड़े हैं भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई। अब कौन से काम तक नाम? मैं नाम जगदीप है भाई साहब, गांव खेड़ी दौलतपुर है भाई। यो हमारा भाई पहलवान है जगदीप। जगदीप कहाँ से आए भाई? खेड़ी दौलतपुर से आए। खेड़ी दौलतपुर, गेम किसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत 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 बढ़िया लगे। इतनी दूर से आए, पूरे हो गए, जमा पूरे हो गए भाई। इनका भाई साहब का लिगामेंट में दिक्कत होने के कारण थोड़े नहीं, पहलवान थे, हाँ पहलवान थे, दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, चोट से उड़ेंगे, दोबारा फिर आएंगे मैदान पे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने जगदीप पहलवान बताया तो भाई यो गेम कबड्डी, सर्कल कबड्डी हरियाणा की जान। अरे भाई असली में आज ताकत भी देखी, नो है कि मैं ये सिर्फ खावा खावा पहलवानी कर ना, फुर्ती भयंकर थी। एक बात कहूँ, वैसे कहनी नहीं चाहिए, इस कबड्डी की और उस कबड्डी की कंपटीशन करा लेना, बक्सा को नहीं है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, बात माता की जय भाई।